2021 है और आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी एनवायरमेंटल डे। और आज मैं जा रहा हूँ मतलब हमारे त्योक में एक एनवायरमेंटल एनजीओ है जिसका नाम है हेउजिया कॉम, और मैं भी हूँ उस एनजीओ में, मेरा बहुत सारे दोस्त है। और ये एनजीओ इस्टेब्लिश हुआ था लास्ट ईयर मतलब 2020 का 5 जून पे, तो आज हेउजिया कॉम का 1 ईयर एनिवर्सरी कम्प्लीट हो गया है। तो मेरी तरफ से हेउजिया कॉम के सभी मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूँ इस मुकाम पर। तो आज हम मतलब हेउजिया कॉम के थ्रो मतलब त्योक के कोलियाबानी के एक मतलब गांव है उस गांव पे जाएंगे, और बुकुल कृष्णसूरा अर्जुन जैसे पेड़ों का पौधा, छोटा छोटा पौधा लगाएंगे उस गांव पे। और मतलब त्योक के दो मतलब जाने पहचाने प्रकृति प्रेमी लोग हैं दो, जो हमारे तुषारपाल सर है सलेंगहाट के रहने वाले, और जो बीजू शर्मा सर है त्योक के रहने वाले। तो हम लोग उन दोनों मतलब प्रेमी हम उन दोनों के घर जाएंगे और उन लोगों को बधाई देंगे और एक बधाई पत्र देंगे। तो चलिए गाइस जल्दी चलते हैं। तो चलिए गाइस close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. तो फाइनली गाइस हम कोलियाबानी पहुंच चुके हैं और यहां पर ही हम पौधे लगाएंगे, और मेरा सारा दोस्त भी यहां पहुंच चुके हैं। वो देखिए मेरा दोस्त अनिर्बान, मानस और समीरन। तो चले गए जल्दी से पौधे लगाते हैं, उसके बाद विजू शर्मा सर और तुषारपाल सर के घर भी जाना है उन लोगों को बधाई देने के लिए। तो चलिए गए जल्दी से पौधे लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं सर के घर। गाइस हम बीजू शर्मा सर के घर पहुंच चुके हैं, और हमारे ग्रुप के मेंबर मानस उसे गामसा पहना रहे हैं, और हमारे ग्रुप के दूसरे मेंबर अनिर्बान सर को एक बधाई पत्र दे रहे हैं, और एनवायरमेंटल के दिन उसको एक पौधा गिफ्ट कर रहे हैं।
সেউজীয়া অসমৰ সমগ্র পৰিয়ালবৰ্গলৈ আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। যি সময়ত আমি অনুভৱ কৰোঁ যুৱ প্ৰজন্ম সদায় নিজ পথৰ পৰা পিছলি গৈছে, তেনে অৱস্থাত সেউজীয়া অসমৰ যি পৰিয়ালবৰ্গ তেওঁলোকে কিন্তু আমি দেখিছোঁ একেৰাহে প্ৰায় 2 বছৰ পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে লাগি আছে। আমাৰ সহযোগিতা বিচাৰিলে আমিও সহযোগ কৰি তেওঁলোকক ভাল পাওঁ। আমি বহুত ক্ষেত্ৰত বহুতক কেতিয়াবা পুলিতা দি বা সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ, কিন্তু এনে সময়ত যেতিয়া আমি যিসকল ব্যক্তিৰ লগত জড়িত থাকোঁ সেইসকল ব্যক্তিয়ে এনে ভালপোৱা দিনত আমাক এষাৰ মাত মাতিবলৈ আহে, আমি যথেষ্ট নিজেই প্ৰেৰণা পাওঁ। আচলতে তেওঁলোককো আমি প্ৰেৰণা দিব বিচাৰোঁ এটাই, যে যুৱ প্ৰজন্ম আদৰ্শ হিচাপে তেওঁলোক থিয় হওক, তেওঁলোকক দেখি আৰু আন 10 জন আগবাঢ়ি আহক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। तो आप लोग ये जो अंकल देख रहे हैं गाइस, ये एक इंडियन आर्मी के सिपाही है। तो हमने एनवायरमेंटल डे के तौर पर इसको भी एक पौधा गिफ्ट कर दिया है। ये किसी दोस्त को लेने आया था थियोक, जो इसका दोस्त है वो दुलीजन से आ रहा था। और गाइस हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम एनवायरमेंटल डे के दिन एक इंडियन आर्मी के सिपाही को एक पौधा गिफ्ट कर पाए, बहुत अच्छा लगा ये काम करके। तो चलिए गाइस जल्दी से तुषार पाल सर के घर चलते हैं। तो चलिए गाइस close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. तो फाइनली गाइस हम सलेंगहाट पहुंच चुके हैं तुषारपाल सर के घर, और हमारे ग्रुप के मेंबर अनिर्बान सर को गामोसा पहना रहे, और हमारे ग्रुप के दूसरा मेंबर मानस तुषारपाल सर को एक बधाई पत्र दे रहे, और हमारे ग्रुप के जो तीसरा मेंबर है समीरन वो तुषारपाल सर को एक पौधा गिफ्ट कर रहे हैं। সেউজীয়া অসম পৰিয়ালবৰ্গক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে আজি মোৰ গৃহত উপস্থিত হৈ মোক যিকণ সন্মান জনালে তাৰ বাবে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ এই কৰ্মৰাজি যাতে সমগ্ৰ অসমত যাতে বিয়পি পৰে, আৰু তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠানটো যাতে দীৰ্ঘায়ু হয় তাকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। তো গাইজ, আজ 17 জুন 2021 হয়, এনভাইৰনমেণ্টেল ডে থা 5 জুন কো, और आज मैं बारिंग के ब्लॉग ये ब्लॉग जानने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू और इस एनवायरमेंटल एनजीओ हेउजिया कॉम के थ्रू मैं आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जितना हो सके पेड़ लगाए, पौधे लगाए, जितना हो सके पौधे लगाए और पेड़ ना काटे। और मैसेज देना चाहता हूँ कि सिर्फ एनवायरमेंटल डे के दिन ही मतलब पेड़ पौधे लगाना नहीं चाहिए, सारा दिन मतलब जितना हो सके, मतलब एक हफ्ते में 2-3 पेड़ या 2-3 दिन के बाद 1-2 पेड़ लगाना चाहिए। इससे मतलब हमारा मतलब आप लोग तो जानते ही आजकल दुनिया का मतलब अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ता चढ़ता रहता है, और ऐसा ही हम मतलब पेड़ काटते रहेंगे, पेड़ पौधे काटते रहेंगे तो और बढ़ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, और बढ़ जाएगा तो मतलब इस हमारे धरती में रहना ही मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे से आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके पेड़ लगाए और पेड़ ना काटे। आजकल लोग आप लोग देखते ही मतलब पेड़ पौधे काट कर बहुत सारे लोग घर बनाता है, और इससे बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाते हैं मतलब पेड़ पौधे काट के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हमारा ही नुकसान है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ। और हमारा जो एनजीओ एनवायरमेंटल एनजीओ है हेउजिया अखम, अगर इस एनजीओ में मतलब कोई ऐड होना चाहता है
हेजे खाम का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर कोई हेल्प करना चाहता है हमारे एनजीओ को, हेजे खाम को कोई हेल्प करना चाहता है तो गूगल पे नंबर भी नीचे दे दूंगा, आप लोग डोनेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और बहुत ही जल्दी मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर हिट कर दीजिए। लव यू ऑल गाइस, जॉय आया होम।